जादुई स्कूल बैग। एक समय की बात है, एक गांव में आयुष नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और सुशील था। सबसे बड़े प्यार से बात करता था। वो स्कूल भी जाता था और पढ़ाई में भी आगे था, और स्कूल छूटने के बाद टाइम से घर चला आता था। एक बार की बात है, उसने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे एक नया बैग चाहिए। नया बैग? अरे अभी तो तुम्हें एक नया बैग लेकर दिया था। पापा ये बैग तो फट गया है। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें अभी एक नया बैग दिला दें। तुम तो जानते हो कि घर की हालत क्या है, खाने के लिए भी खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। हम तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं और तुम हो कि नया बैग मांग रहे हो। अब तुम सोचो हम कहां से लेकर आएं। ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं इस पुरानी बैग के सहारे ही काम निकाल लूंगा। आयुष घर से चला जाता है। आयुष को अपने घर की हालत अच्छी तरह पता थी, इसलिए वो कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। इसलिए आयुष घर के बाहर आ गया। आयुष अपने मन ही मन ये सोचता रहा कि उसका पुराना बैग तो फट गया है, वो क्या करे, अपनी पुस्तकें कैसे लेकर स्कूल जाए। ये सोचते हुए आयुष चलता जाता है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। उसे पता भी नहीं चलता। जब वो अपने ख्यालों से निकलता है तब उसे ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ आ गया, अरे नहीं ये तो घना जंगल है, यहाँ पर किसी ने मुझे खा लिया तो पता भी नहीं चलेगा घर वालों को कि मैं मर चुका हूँ। हे भगवान मेरी मदद करो। आयुष जोर जोर से रोने लगता है। इतने में ही पेड़ से एक आवाज आती है, बेटा क्या हो गया? अरे ये आवाज कहाँ से आई? आयुष ने देखा अचानक पेड़ से एक देवता निकल कर आते हैं और वो आयुष से कहते हैं, आयुष क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो? अरे आप पेड़ से कैसे निकले, आप तो किसी देवता के सामान दिखते हैं। मैं पेड़ का देवता ही हूँ, तुम एक प्यारे बच्चे हो और मेरे पास आकर तुम रो रहे थे। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता, मेरे घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे एक नया बैग लेकर दे सके, आप मुझे एक बैग दे देंगे? अरे क्यों नहीं, तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो, ये लो ये बैग लो। इतने में ही देवता आयुष को एक नया बैग दे देते हैं। आयुष बैग लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आयुष की माँ बैग देखकर आयुष से पूछती है, अरे आयुष तुम नया बैग कहाँ से लेकर आए? माँ आपको पता है पेड़ वाले देवता ने मुझे ये बैग दिया। लेकिन पेड़ वाले देवता, ये कौन से देवता है? आयुष तुमने किसी का बैग चुराया तो नहीं है? नहीं नहीं माँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है। आयुष के ऐसा कहने से उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है, उसे पेड़ वाले देवता ने ही बैग दिया होगा। आयुष इस बैग को पाकर बहुत खुश था। आहा मेरा नया बैग, अब तो मैं नए बैग के साथ स्कूल जाऊंगा। आयुष बैग में दो किताबें रखता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। जब स्कूल में बैग खोलता है तो देखता है कि उसके चार किताबें हैं। अरे ये क्या, मैंने तो दो किताबें डाली थी, चार किताब कहाँ से है इस बैग में? ये माँ भी ना बेकार में मेरा बोझ बढ़ा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर पहुँचता है तब अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे बैग में एक्स्ट्रा दो किताबें क्यों रख दी, मुझे तो आज दो ही किताबों की जरूरत थी। बेटा ये क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हारे बैग में कोई किताब नहीं रखी। तो माँ मैं सिर्फ दो किताबें लेकर गया था और बैग में चार किताबें हैं। ये कैसे हो सकता है, आप खुद ही देख लो। माँ भी चार किताबें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो ये देखती है कि वो सारी किताबें एक जैसी है। आयुष भी बहुत सोच में था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जादुई बैग है, इसलिए वो बैग पर ज्यादा ध्यान ना देकर उसे घर में रख के खेलने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन आयुष ने बैग में दो किताब और दो पेंसिल रखी और स्कूल चला गया। स्कूल जाते समय उसके पापा उसको रास्ते में मिलते हैं। पापा आप सब्जियां लेकर आ रहे हैं?
हाँ बेटा, मैं सब्जियाँ लेकर आ रहा हूँ। पापा, मेरे लिए दो पेंसिल भी लेकर आना। मेरी दोनों पेंसिल बहुत छोटी हो गई हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। आयुष, तुम्हारे तो खर्चे ही नहीं निपटते। अभी अभी तो इतने रुपए की सब्जियाँ आई हैं, पेंसिल के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है पापा, आपके पास जब पैसे हो तब पेंसिल ला देना। ठीक है ठीक है, स्कूल जाओ तुम। आयुष उदास होकर अपने स्कूल में चलाता है और अपने बैग से पेंसिल और किताबें निकालने लगता है। वैसे ही वो देखता है कि उसके बैग में दो पेंसिल की जगह चार पेंसिल है। आयुष ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब वो समझ गया कि ये बैग कोई साधारण बैग नहीं है, ये एक जादुई बैग है। इसमें जो भी कुछ डाला जाए वो दुगना हो जाएगा। अब तो आयुष माँ के दिए हुए पैसे भी उसमें डाल देता है और वो पैसे भी एक की जगह दो सिक्के निकालते हैं। अब तो आयुष के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसकी पेन खत्म होने लगती उसे बैग में रख देता और वो दो हो जाती। धीरे धीरे वो दोस्तों को भी मदद करने लगा। एक दिन जब आयुष क्लास में बैठा था तो उसने देखा कि रीना जोर जोर से रो रही थी। रीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताओ आयुष, मेरा रबर खत्म हो गया है, अब मैं कैसे मिटाऊंगी? लाओ अपना पुराना रबर दो। आयुष उसके रबर को लेकर अपने बैग में डाल देता है। अगले दिन आयुष को दो नए रबर मिलते हैं। आयुष एक रीना को दे देता है और एक अपने पास रख लेता है। रीना रबर पाकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो क्लास का हर एक बच्चा अपनी परेशानी लेकर आयुष के पास आता था। घर में भी अगर कुछ खत्म हो जाता तो आयुष उसको अपने बैग में रख देता और वो चीजें दुगनी हो जाती। कभी वो माँ की चूड़ियों को बैग में रखता तो कभी माँ की बिंदियों को। अरे वाह, आजकल तो मेरी बिंदियाँ खत्म ही नहीं होती, मेरे पास नई चूड़ियाँ भी आ गई है। आयुष, तुम ये कहाँ से ले आ रहे हो? माँ, ये तो जादुई बैग का कमाल है। तुम और तुम्हारी फालतू बातें, मुझे तो यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, आप चूड़ियाँ पहनकर खुश रहो। आयुष बहुत खुश था क्योंकि वो सबकी मदद कर पाता था। लेकिन उसका एक दोस्त पड़ोस में रहने वाला शिवा आयुष से बहुत जल रहा था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि हर जगह आयुष की चर्चा हो रही थी। इसलिए वो आयुष के घर गया और खिड़की से आयुष का जादुई बैग देख लिया। अब मैं उसे बताता हूँ, अब ये बैग मेरा है, अब ये कोई जादू नहीं कर पाएगा। शिवा ने आयुष का जादुई बैग चुरा लिया। आयुष काफी परेशान हो गया था, वो जादुई बैग को हर जगह तलाश कर रहा था। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? यही कहीं होगा। अरे नहीं माँ, मैंने उसे बहुत खोजा, स्कूल में है ना ही घर में ना पड़ोस में, कहीं नहीं मिला। अब इस आयुष के बच्चे को अकल आएगी जब मैं कल बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा, और कल तो दिवाली है, मैं इस जादुई बैग से बहुत सारे पटाखे बनाऊंगा। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? आयुष सोच सोच कर परेशान था और उधर शिवा जादुई बैग को लेकर बहुत खुश था। उसने जादुई बैग में एक बम रखा और अगले दिन उसे दो बम मिला। इसके बाद शिवा ने दो बम जादुई बैग में रखे और अब शिवा ने उसमें से चार बम निकाले। उसे तो मजा ही आ गया था। और उधर आयुष बहुत ही परेशान था। आयुष जादुई बैग के बिना बहुत उदास था, वो उसका बहुत ख्याल रखता था। और शिवा ने तो उस बैग को यूं ही फेंक दिया था और सारे बम लेकर बाहर जलाने के लिए चला गया। शिवा ने सारे बम को एक ही साथ जला दिया। इतनी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए और वो शिवा पर चिल्लाने लगे। शिवा, कितने बदतमीज हो तुम, क्या कर रहे हो, किसी को चोट आ गई तो? हर कोई शिवा पर चिल्ला रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा रहा हूँ अंदर। शिवा घर में चला जाता है और जैसे ही घर में गया उसने देखा। अरे ये क्या, घर में इतने चूहे कहाँ से आए? अरे ये मेरा सारा सामान ले गए, मम्मी देखेंगी तो बहुत मारेंगी, ये कैसे हो गया? दरअसल जैसे ही शिवा बाहर गया, जादुई बैग को घर के एक कोने में फेंक कर चला गया था। तभी उसमें दो चूहे बैग के अंदर घुस गए और वो चार होकर बाहर निकले। फिर चार चूहे अंदर घुसकर आठ होकर बाहर निकले। इसी तरह से चूहे की संख्या बढ़ती चली गई
और शिवा का पूरा घर चूहा से भर गया। वो घर से बाहर आया। अरे मुझे कोई बचाओ इन चूहों से, ये चूहे मार डालेंगे, इन्होंने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है, मम्मी मुझे बहुत मारेगी। शिवा की आवाज़ सुनकर आयुष समझ जाता है कि उसका जादुई बैग उसी के पास है। आयुष जाता है और अपने जादुई बैग को उठा लेता है। अरे वाह, मेरा प्यारा बच्चा मुझे मिल गया। शिवा आयुष से माफ़ी मांगता है। आयुष एक नेक लड़का था, वो शिवा को माफ कर देता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ को हमें चुरानी नहीं चाहिए।